मै का इंग्लिश क्या होता है? मै का होता है आई, तो यहाँ पर लिखेंगे आई। आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है क्या लगता है? एम ही जार में आई के साथ लगता है एम, तो यहाँ पर लिखेंगे एम। एक का क्या होता है? एक का होता है अ। और पत्रकार का क्या होता है? पत्रकार का होता है जर्नलिस्ट। आई एम अ जर्नलिस्ट, मैं एक पत्रकार हूँ। उसके बाद दो नंबर में है, तुम एक न्यायाधीश हो। तो फ्रेंड्स तुम का इंग्लिश क्या होता है? तुम का होता है यू, तो यहाँ पर लिखेंगे यू। यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है एम ई जार में, यू के साथ लगता है आर, तो हम लोग यहाँ आर का यूज करेंगे, यू आर। और एक का क्या होता है? एक का होता है अ, तो यहाँ पर लिखेंगे अ। और न्यायाधीश का क्या होता है? न्यायाधीश का होता है जज, तो यहाँ पर लिखेंगे जज। यू आर अ जज, तुम एक न्यायाधीश हो। उसके बाद तीन नंबर में लिखेंगे, वह एक वकील है। तो फ्रेंड्स वह का इंग्लिश क्या होता है? वह का होता है ही, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ही। ही के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वह क्या लगता है? ही के साथ लगता है इज, तो यहाँ पर लिखेंगे इज। एक का क्या होता है? एक का होता है आ। और वकील का क्या होता है? वकील का होता है लॉयर, तो ही इज अ लॉयर। ही इज अ लॉयर, वह एक वकील है। उसके बाद चार नंबर में लिखेंगे, वे लोग चित्रकार हैं। वे लोग का इंग्लिश क्या होता है? वे लोग का होता है दे, तो यहाँ पर लिखेंगे दे। दे के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है क्या लगता है? आर लगता है, तो यहाँ पर लिखेंगे आर। चित्रकार का क्या होता है? चित्रकार का होता है पेंटर, तो यहाँ पेंटर का हो जाएगा पेंटर्स। दे आर पेंटर्स, वे लोग चित्रकार हैं। उसके बाद पांच नंबर में लिखेंगे, हम लोग मछुआरा हैं। हम लोग का इंग्लिश क्या होता है? हम लोग का था वी, तो यहाँ पर लिखेंगे वी। वी के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है क्या लगता है? आर लगता है, तो यहाँ पर लिखेंगे आर। मछुआरा का क्या होता है? फिशर मैन, लेकिन यहाँ एक से ज़्यादा का बोध हो रहा है, तो इसका प्लूरल हो जाएगा फिशर मैन। वी आर फिशर मैन, हम लोग मछुआरा हैं। उसके बाद छह नंबर लिखेंगे, वह एक सिपाही है। वह का इंग्लिश क्या होता है? वह का होता है ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज, एक का होगा अ, और सिपाही का क्या होता है? पुलिसमैन। ही इज अ पुलिस मैन, वह एक सिपाही है। उसके बाद सात नंबर में लिखेंगे, मैं एक दुकानदार हूँ। तो फ्रेंड्स मैं का इंग्लिश क्या होता है? मैं का होता है आई, तो यहाँ पर लिखेंगे आई। आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है क्या लगता है? एम लगता है, आई एम। एक का क्या होता है? एक का होता है अ। और दुकानदार का क्या होता है? शॉपकीपर। आई एम अ शॉपकीपर, मैं एक दुकानदार हूँ। उसके बाद आठ नंबर में है, तुम एक सैनिक हो।
तुमका इंग्लिश होगा यू, यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है आर लगता है, तो यहाँ पर आर का यूज करेंगे। एक का होता है अ, तो यहाँ हो जाएगा अ। सैनिक का इंग्लिश क्या होता है? सोल्जर। यू आर अ सोल्जर, तुम एक सैनिक हो। उसके बाद 9 नंबर में लिखेंगे वे लोग वैज्ञानिक हैं। वे लोग का इंग्लिश क्या होता है? दे, तो यहाँ पर लिखेंगे दे। दे के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है आर, तो यहाँ पर आर का यूज होगा। और वैज्ञानिक का क्या होता है? वैज्ञानिक का होता है साइंटिस्ट। दे आर साइंटिस्ट्स, वे लोग वैज्ञानिक हैं। और सबसे अंत में 10 नंबर में लिखेंगे मैं एक विमान चालक हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं का इंग्लिश होता है आई, तो यहाँ पर लिखेंगे आई। आई के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है एम। एक का हो जाएगा अ। और विमान चालक का क्या होता है? विमान चालक का होता है पायलट। तो फ्रेंड्स, आई होप कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर।